केमिस्ट्री पार्ट थ्री है। पहला पार्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यहाँ पर जो हेडिंग है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया का पहला भाग है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा वियोजन। ऊष्मा देने पर, वियोजन का मतलब होता अलग होना। जब किसी एक अभिकारक को, जब किसी एक अभिकारक को ऊष्मा देने पर वह दो उत्पादों में अलग हो जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए एक अभिकारक की जरूरत है, एक रिएक्टेंट की जरूरत है। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर एक अभिकारक हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ठोस है। और यहाँ पर एक अभिकारक है, जब एक अभिकारक यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ऊष्मा देने पर यहाँ पर ताप दीजिए। जब इस अभिकारक को हम ताप देते हैं तो कम से कम ये दो उत्पादों में अलग हो जाता है। CaO इसको कहते हैं बिना बुझा चूना, और इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसके मतलब ठोस कैल्शियम कार्बोनेट ठोस है, कैल्शियम ऑक्साइड ठोस है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। देख लीजिए क्या अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। दो और एक तीन ऑक्सीजन उधर है, इधर भी तीन ऑक्सीजन है, एक कैल्शियम इधर, एक कैल्शियम इधर, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर। तो ये हो गई ऊष्मीय वियोजन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक को ऊष्मा देने पर कम से कम वह दो उत्पादों में अलग हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। दूसरा देखिए, यहाँ पर वैद्युत वियोजन है। वैद्युत वियोजन, जब किसी एक अभिकारक में वैद्युत धारा गुजारते हैं तो यह दो उत्पादों में अलग हो जाता है, जिसे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जब एक अभिकारक तो यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जल है और जल का सूत्र होता है H2O। जल का निर्माण कैसे होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्टेंट है, एक अभिकारक है, और जब एक अभिकारक में क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे या विद्युत धारा गुजारेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए वैद्युत धारा इसमें गुजारेंगे तो यह दो उत्पादों में अलग हो जाता है। मान लीजिए ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है। तो ये हमारी परिभाषा है वैद्युत वियोजन। जब किसी एक अभिकारक को क्या करेंगे, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो कम से कम वो कितने, केवल दो भागों में बढ़ना चाहिए। वैद्युत वियोजन का मतलब जब एक अभिकारक को विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, एक अभिकारक में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो भागों में क्या होता है, दो उत्पादों में क्या होता है, अलग हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं वैद्युत वियोजन। यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है। यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन, इसको दो से गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर ये दो तो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ पर दो गुना चार हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी चार हाइड्रोजन होना चाहिए। ये तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या है, जब एक अभिकारक को सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में अभिक्रिया कराते हैं तो यह दो उत्पादों में अलग हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जब एक अभिकारक को
कोई एक अभिकारक मान लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने मान लिया AgBr, ये ठोस है जिसको कहते हैं Ag से सिल्वर, Br से ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, तो एक अभिकारक हो गया। और इस अभिकारक को क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो यह दो उत्पादों में अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक उत्पाद है हमारे पास Ag, ये ठोस है, और यहाँ पर हो जाएगा Br2 और ये हो जाएगा गैस। तो यह है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक को सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में जब अभिक्रिया कराते हैं तो वह दो उत्पादों में अलग हो जाता है। अब देखिए क्या यह अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। यहाँ पर देखिए Br दो ब्रोमीन है, Br को ब्रोमीन कहा जाता है, तो यहाँ पर दो ब्रोमीन है, यहाँ पर भी दो ब्रोमीन होना चाहिए, तो यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए दो ब्रोमीन हो गया, यहाँ पर भी दो ब्रोमीन हो गया, लेकिन यहाँ पर Ag सिल्वर दो है, यहाँ पर सिल्वर एक ही है, इसको दो से गुणा कर दीजिए और ये अभिक्रिया हो गई संतुलित। यहाँ पर देखिए आगे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रिया, कोई एग्जांपल लेकर देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर लोहा लिख दिया, लोहा ठोस होता है जैसे लिख दो, और इसमें हम कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का एक घोल है Aq, कॉपर सल्फेट का विलयन है, और यहाँ पर होगा Cu, अलग कर दीजिए Cu क्या है, कॉपर ठोस होता है, जब यहाँ से Cu बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा FeSO और यह हो जाएगा आपका Aq, FeSO4 Aq प्लस Cu, Cu का पर ठोस है। अब देखिए यहाँ पर ये जो लोहा है यह लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। तो परिभाषा क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, लोहा क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, और ये अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करेगा, उसके यौगिक से हटा देगा। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट क्या है, एक यौगिक है, कंपाउंड है, तो ये अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व अर्थात कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, तो ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, वो विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। तो कॉपर सल्फेट से कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। क्यों अलग हो गया, क्योंकि ये कम क्रियाशील तत्व है। कैसे हुआ, अधिक क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से उसको क्या किया, अलग कर दिया। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं,
यहाँ पर जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, एक्यूट सोडियम सल्फेट का घोल है, ठोस नहीं है ये, और इसी में हम मिला लेते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2 का यहाँ पर विलयन है और दोनों को अभिक्रिया कराना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो अभिकारक है, क्योंकि यहाँ पर अभिकारकों कहा गया है, एक अभिकारक होता तो एक ही होता, अभिकारकों एक से ज्यादा अर्थात दो। तो जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता, अब इसमें आयन अभी हमें नहीं दिख रहे हैं, तो देखिए अभी आयन कैसे दिखेंगे। यहाँ पर देखिए अलग से जब हम इसको वियोजित करेंगे Na2SO4 को, जब हम वियोजित करेंगे तो यहाँ पर ये दो भागों में बढ़ जाता है। SO4 के ऊपर हमेशा डबल माइनस होता है, SO4 को कहा जाता है सल्फेट और इसके ऊपर हमेशा दो माइनस होता है, तो ये कहा जाता है सल्फेटाइन। और देखा होगा कि Na के ऊपर हमेशा एक प्लस होता है, एक प्लस होता क्यों है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा बोरबरी का नियम होता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2, 8, 18, 32 होता है, तो 8, 2, 10, 1, 11। सोडियम के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आवर्त सारणी के पहले वर्ग में रखा गया है, और आवर्त सारणी में जो पहले वर्ग के जितने भी तत्व होंगे वह सभी कहलाते हैं मेटल, धातु कहलाते हैं, इसलिए सोडियम के ऊपर हमेशा एक प्लस होता है, अगर ये अधातु होता तो उसके ऊपर माइनस होता। तो यहाँ पर Na के ऊपर एक प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सोडियम है 2, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तो 2 + 2 तो इसके ऊपर 2-। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए BaCl2 को तोड़िए दो भागों में, तो बेरियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। अब यहाँ पर देखिए Cl2 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करिए, क्लोरीन के ऊपर हमेशा एक माइनस होता है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है। अब यहाँ पर देखिए 2 एकम 2-, तो इसके ऊपर कितने प्लस होने चाहिए, 2+ होने चाहिए, हमेशा आवेश बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, ये दोनों हैं अभिकारक। अब इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा, हमेशा प्लस प्लस और माइनस माइनस का अट्रैक्शन नहीं होता है, अट्रैक्शन हमेशा एक प्लस और एक माइनस का होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2+, तो इसके ऊपर 2- है, तो प्लस और माइनस का अभिक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2+, इसके ऊपर 2-, तो इसका इससे अभिक्रिया हो जाएगा, और इस तरह आयनों का अदला बदली हो जाएगी। तो यहाँ पर Ba है, यहाँ पर SO4 है, तो इसको हम लिख देंगे BaSO4। यहाँ पर Na है, Cl है, तो यहाँ पर लिख देंगे NaCl, यहाँ पर लिख देंगे NaCl। NaCl क्या है, सॉलिड है, यस लिख दीजिए BaSO4 सॉलिड है, यस लिख दो। आगे है यहाँ पर आपका NaCl। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सोडियम की संख्या 2 है, क्लोरीन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर हम 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और ये अभिक्रिया हमारी संतुलित हो जाएगी। यहाँ पर 2 सोडियम, यहाँ पर 2 सोडियम, यहाँ पर 2 क्लोरीन, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ पर 1 बेरियम, यहाँ पर 1 बेरियम, और इस तरह ये हमारी अभिक्रिया क्या हुई, संतुलित हो गई है। और अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो गया, इसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस से आयनों का आदान प्रदान होने के बाद ये दोनों हमारे पास बने हैं।
ये दोनों है उत्पाद, इनका नाम है Ba से बेरियम, SO4 से सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और ये है सोडियम क्लोराइड, ये है बेरियम क्लोराइड, ये है सोडियम सल्फेट। और कहीं आपको लिखा हो जैसे CuSO4, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, Cu को कॉपर, SO4 को सल्फेट, ये कहलाता है कॉपर सल्फेट। और कहीं पर दिखाई पड़े जैसे FeSO4, FeSO4 को आप क्या पढ़ेंगे, Fe को कहते हैं आयरन लोहा, और SO4 को कहते हैं सल्फेट, ये कहलाता है आयरन सल्फेट। तो ये रहा द्विविस्थापन अभिक्रिया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।